हेलो बच्चों, देखो अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बात करते हैं। अब तक आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया हेलो एल्केन में? देखो, सबसे पहले हमने हेलो एल्केन का जो सामान्य वर्गीकरण है, सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति है, वो सब कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एल्केन हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली। एल्केन हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली। अब एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौतिक गुणों की, या मैं बोल दूं रासायनिक गुण, किनकी? भौतिक गुणों की। किनकी बात करते हैं? भौतिक गुणों की। देखो, भौतिक गुणों में क्या है, आपको कुछ जो पॉइंट है वो याद रखने हैं। हेलो एल्केन के जो भौतिक गुण हैं वो क्या करना है आपको याद रखने। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले भौतिक गुणों में, भौतिक अवस्था, किसकी बात करूं? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। इन एल्केन हैलाइडों की फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। देखो, भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो एल्केन हैलाइड गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो, मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, इनकी बात करें, ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। भौतिक अवस्था में मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड किस में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके बाद जितने भी कार्बन 15 तक हैलाइड हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मैथिल आयोडाइड की बात करें, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैथिल क्लोराइड ब्रोमाइड, मैथिल फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड तो किस में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मैथिल जो आयोडाइड है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है और अन्य जो हैलाइड हैं कार्बन 15 तक किस में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और कार्बन 15 के जो बाद के हैलाइड हैं, कार्बन 15 के बाद के हैलाइड हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। तो फिजिकल स्टेट आपकी समझ में आ रही होगी कि मैथिल फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, अर्थात मैं कह सकता हूँ मैथिल आयोडाइड को छोड़कर मैथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड किस में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मैथिल आयोडाइड किस में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अन्य जितने भी हैलाइड हैं कार्बन 15 तक वो किस में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और कार्बन 15 के बाद जितने भी हैलाइड हैं आपके, कार्बन 15 के बाद जितने भी हैलाइड हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन 15 के बाद जितने भी हैलाइड हैं वो किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रंग की। सबसे पहले आपने भौतिक अवस्था की बात की। किसकी बात की? भौतिक अवस्था की। तो भौतिक अवस्था के बाद अब बात करते हैं रंग की, कलर की। इनका कलर कैसा होता है? कैसा होता है? तो कलर की बात करते हैं। सामान्यतः सभी जो एल्केन हैलाइड हैं वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस या रंगहीन। कैसे होते हैं? कलरलेस या रंगहीन होते हैं। लेकिन मैथिल आयोडाइड और मैथिल क्लोराइड और ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड और मैथिल ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। दोबारा से बात करें कि सभी एल्केन हैलाइड सामान्यतः कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस।
लेकिन मैथिल क्लोराइड और ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैसे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। मैथिल आयोडाइड जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग का पाया जाता है। कैसे? हल्के बैंगनी रंग का, किसका? हल्के बैंगनी रंग का पाया जाता है, हल्के बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का पाया जाता है। तो हम बात करें, सभी सामान्यतः जो एल्केल हैलाइड हैं, लगभग सब सभी जो एल्केल हैलाइड हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस। लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या पड़ जाते हैं? पीले। और आयोडाइड की हम बात करें तो आयोडाइड कैसा होता है? हल्के बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के बैंगनी रंग का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट भौतिक गुण क्या है? तो नेक्स्ट भौतिक गुण की बात करते हैं, इनके घनत्व, किनकी? घनत्व की। किसकी? घनत्व, या इंग्लिश में बात करें तो किसकी? डेंसिटी की। किसकी? डेंसिटी। तो घनत्व की यदि हम बात करें, आपको पता है कि एल्केल हैलाइडों में जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती जाती है, इनके घनत्व के मान क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। घनत्व के मान क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड। तो आपको पता है घनत्व फ्लोराइड से क्लोराइड, फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? अणुभार में वृद्धि होती जाती है, अणुभार में वृद्धि होती जाती है। इस अणुभार में वृद्धि के कारण ही, इस अणुभार में वृद्धि के कारण ही इनके घनत्व फ्लोराइड से आयोडाइड तक बढ़ते जाते हैं, फ्लोराइड से आयोडाइड तक बढ़ते जाते हैं। क्या? अणुभार बढ़ने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता जाता है। आपको पता है फ्लोराइड से क्लोराइड और क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ चलते हैं, तो घनत्व इनके जो अणुभार में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और अणुभार में वृद्धि से घनत्व के मानों में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। जैसे मैं बात करूं, जब एल्किल हैलाइड क्या हो? समान हो। या मैं बोलूं जब हेलोजन परमाणु क्या हो? समान हो। जैसे CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, तो इसमें घनत्व का क्रम क्या होगा? घनत्व का क्रम क्या होगा? तो घनत्व का क्रम आपको पता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो Cl परमाणु की क्या है? संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? क्लोरीन परमाणु या क्लोराइड, क्लोराइड की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अर्थात हैलाइड आयन की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और आपको पता है हैलाइड आयन की संख्या बढ़ने पर अणुभार का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब अणुभार का मान बढ़ता है तो घनत्व का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात यहाँ बात करें, जब डिफरेंट हैलाइडों में जब कार्बन परमाणु की संख्या समान है, तब इनमें घनत्व का जो क्रम होगा मैथिल फ्लोराइड से मैथिल आयोडाइड तक क्या होता है? बढ़ता है। और यहाँ यदि बात करें कि हेलोजन परमाणु भी समान है और कार्बन परमाणु भी समान है, लेकिन हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अर्थात मैथिल क्लोराइड से मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की तरफ चलते हैं, तो अणुभार में वृद्धि होती है। और इस अणुभार में वृद्धि के कारण ही इसके घनत्व के मान क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखो, नेक्स्ट फिजिकल जो प्रॉपर्टी है इसके, विलेयता सॉल्युबिलिटी। क्या है? विलेयता सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, विलेयता क्या है? देखो, एल्किल जो हैलाइड होते हैं, क्या एल्किल हैलाइड, ये जल में सामान्यतः कम घुलनशील, या मैं बोल सकता हूं अघुलनशील, जल में सामान्यतः कम घुलनशील या अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। लेकिन कार्बनिक ब्लैक जैसे, लेकिन
ब्लाइक जैसे बेंजीन, कार्बनिक ब्लाइक जैसे बेंजीन, ईथर, बेंजीन, ईथर और कार्बनिक ब्लाइक जैसे बेंजीन, ईथर आदि में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। किसमें? कार्बनिक ब्लाइक, बेंजीन, ईथर और एक और एल्कोहल, क्या? एल्कोहल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। सामान्यतः एल्किल हैलाइड की विलेयता की बात करें हम, किसकी? विलेयता की, तो आपको पता है विलेयता एल्किल हैलाइड जो होते हैं जल में कम विलेय होते हैं, या इनको कहते हैं अबले होते हैं। क्या होते हैं? अबले होते हैं। लेकिन बेंजीन, ईथर और एल्कोहल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। बेंजीन, ईथर और एल्कोहल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण की हमने बात करी थी, इसमें भौतिक अवस्था इनकी क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। मेथिल आयोडाइड किस में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि मेथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। कार्बन 15 तक किस में? द्रव अवस्था में। 15 से जो उच्च होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रंग की, किसकी? कलर की। तो मैंने बताया था ये सामान्यतः रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। लेकिन क्लोराइड और ब्रोमाइड की, मेथिल क्लोराइड ब्रोमाइड की बात करें तो क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हल्के पीले पड़ जाते हैं, जबकि मेथिल आयोडाइड बैंगनी रंग का, हल्के बैंगनी रंग का होता है। फिर हम बात करते हैं घनत्व की, किसकी? घनत्व की। तो आपको पता है घनत्व किसे कहते हैं? एक निश्चित आयतन में या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। यदि एक निश्चित इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान आपको पता है घनत्व का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर एम अपॉन बी, डी बराबर एम अपॉन बी, अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो एक चीज बताइए, ये द्रव्यमान बढ़ेगा एक निश्चित आयतन में, आयतन क्या है? कांस्टेंट, आयतन कांस्टेंट है, और द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक निश्चित आयतन में यदि द्रव्यमान का मान बढ़ता है तो घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए फ्लोराइड से क्लोराइड की तरफ चलते हैं, अणुभार के मान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है, और अणुभार के मान में वृद्धि से घनत्व के मान क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं, घनत्व के मान बढ़ते जाते हैं। फिर मैंने बताया था मेथिल क्लोराइड, मेथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्लोरीन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है घनत्व का मान बढ़ता जाता है, या अणुभार का मान बढ़ता जाता है, अणुभार का मान बढ़ता जाता है, अणुभार बढ़ने से घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट मैंने बात की विलेयता, किसकी बात करी? विलेयता। और विलेयता आपको पता है कि एल्किल हैलाइड होते हैं सामान्यतः जल में या तो अबले, सामान्यतः जल में हल्के विलेय होते हैं या अबले होते हैं। लेकिन इन विलायकों में जो कार्बनिक विलायक हैं बेंजीन, ईथर और एल्कोहल, बेंजीन, ईथर और एल्कोहल, इनमें क्या होते हैं? सामान्यतः विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक की, गलनांक एवं क्वथनांक की, गलनांक एवं क्वथनांक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक की, किसकी? क्वथनांक की। आपको पता है क्वथनांक के जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है क्वथनांकों के मान बढ़ते जाते हैं, या मैं बात करूं कि एल्किल। हाँ तो बच्चों गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, किसकी? गलनांक और क्वथनांक की। तो देखो गलनांक क्वथनांक में क्या है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वथनांक की, किसकी? क्वथनांक की। तो आपको पता है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान, या मैं बोल दूँ द्रुव द्रुव आकर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है, और क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ हेलो एल्केन, किसकी? एन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपको पता है सी एक्स बॉन्ड जो होता है, सी एक्स बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का
होता है। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही इन हेलो एल्केनों के जो क्वथनांक होते हैं संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। हेलो एल्केन में CX बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनमें क्या होता है, जैसे जैसे अणुवार बढ़ता जाता है आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। आकर्षण बल के मान बढ़ने के कारण हेलो एल्केनों के किसके मान, क्वथनांक के मान, किसके मान, क्वथनांक के मान संगत हाइड्रोकार्बन अर्थात संगत हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक से क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि क्वथनांकों के मान हेलो एल्केन में संगत हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं, संगत हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। जैसे विभिन्न एल्केन हैलाइडों के क्वथनांक की मैं बात करूँ, विभिन्न एल्केन हैलाइडों के क्वथनांक की मैं बात करूँ तो देखो आपको पता है क्वथनांक का मान अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो क्वथनांक का मान क्या होगा, सबसे अधिक एल्केलाइड मेथिल आयोडाइड का, उससे कम मेथिल क्लोराइड का, और उससे कम मेथिल ब्रोमाइड का, किसका मेथिल ब्रोमाइड, सबसे कम मेथिल फ्लोराइड, सबसे कम मेथिल फ्लोराइड का, उससे ज़्यादा मेथिल क्लोराइड, उससे ज़्यादा मेथिल ब्रोमाइड, सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेथिल आयोडाइड का होता है, मेथिल आयोडाइड का होता है। तो हम बात करें कि हेलो एल्केन में CX बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है और इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण हेलो एल्केन के क्या क्वथनांकों के मान संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, उच्च होते हैं, संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। अब मैं बात करता हूँ समावयवी एल्किल हैलाइडों में, समावयवी एल्किल हैलाइड हैलाइडों में क्वथनांक के मान, समावयवी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक के मान, देखो भाई समावयवी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक के मान की हम बात करते हैं। समावयवी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो जिनका क्या होता है अणुसूत्र समान होता है, क्या होता है अणुसूत्र समान होता है, और एल्किल हैलाइड समावयवी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक के मान शाखन बढ़ने से या शाखाओं की संख्या बढ़ने से क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्यों कम होते जाते हैं, क्योंकि शाखन के बढ़ने से गोलाकार आकृति होती जाती है, क्या होती जाती है गोलाकार आकृति बढ़ती जाती है, और अंतरणविक आकर्षण बल के मान क्या होते जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं प्रबल होते जाते हैं। या मैं बोल दूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, ये मेथिल क्लोराइड, ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड, ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और ये एन ब्यूटिल क्लोराइड, और ये एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखो इधर से इधर चल रहे हैं हम लेफ्ट से राइट, तो सबसे पहले समावयवी है कि नहीं, सभी में अणुसूत्र समान है कि नहीं है, C4H9Cl सी कार्बन परमाणु संख्या 1, 2, 3 और 4, C4H9 3 हाइड्रोजन और Cl, सभी का अणुसूत्र क्या है समान अर्थात तीनों क्या है समावयवी, समावयवी एल्किल क्लोराइड। तो मैंने क्या बताया समावयवी एल्किल क्लोराइडों में शाखाओं की संख्या, ये देखो शाखाओं की संख्या, एक तो सीधी एल्किल क्लोराइड, एक इधर से इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक शाखा बढ़ गई, जैसे पेड़ों में एक ब्रांच रहती है, और यहाँ पर कितनी एल्किल ग्रुप शाखा के रूप में है, तीन तीन, अर्थात समावयवी एल्किल क्लोराइडों में या एल्किल हैलाइडों में शाखाओं की संख्या बढ़ने से, शाखाओं की संख्या बढ़ने से क्वथनांकों के मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, क्या होती जाती है कमी होती जाती है, क्योंकि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है कम हो जाता है। अर्थात मैं बोल दूँ कि इधर से इधर चलने पर गोलाकार आकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है, गोलाकार आकृति बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है कम हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और वैन डेर वाल्स आकर्षण बलों का मान क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वथनांकों के मान में क्या होती जाती है वृद्धि।
तो मैं सबसे पहले बताऊं कि क्वथनांक डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल टू होता है, या बोल दूं इनडायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है शाखन के, किसके, शाखन ब्रांचिंग, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोलाकार आकृति, गोलाकार आकृति या पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, और इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल के, अंतराण्विक आकर्षण बल के। तो देखो क्वथनांक शाखन बढ़ने पर क्वथनांक के मानों में क्या होगी, कमी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, शाखन बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। शाखन बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्वथनांक के मानों में क्या होगी, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, गोलाकार आकृति, क्या आया, गोलाकार आकृति। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक कब बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, शाखन क्या होगा, कम होगा, अर्थात गोलाकार आकृति क्या होगी, कम होगी, और अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। या मैं दोबारा से बात करूं कि समावेवी एल्किल हैलाइडों में, समावेवी एल्किल हैलाइडों में शाखन बढ़ने से, शाखन बढ़ने से गोलाकार आकृति बढ़ती है, गोलाकार आकृति बढ़ती है, जिसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है, कम होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान के कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस अंतराण्विक आकर्षण बल के कम होने के कारण क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे शाखन बढ़ता जाता है क्वथनांक के मान क्या होंगे, कम होंगे। तो सबसे अधिक इसमें किसकी बात करें, एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक की, तो एन ब्यूटिल हैलाइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, उसके बाद आइसोब्यूटिल क्लोराइड, उसके बाद किसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड का, आइसोब्यूटिल क्लोराइड का, और सबसे एंड की हम बात कर दें तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, क्या क्वथनांक का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है, इधर से इधर चलना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर आते हैं गोलाकार आकृति होती जाती है, गोलाकार आकृति अर्थात ब्रांचिंग बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बलों के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, कैसी होती जाती है, वृद्धि, जिसके कारण इनके क्वथनांकों के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो दोबारा से एक बार आपको ये काम कंप्लीट होता है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, भौतिक गुणों में मैंने भौतिक अवस्था बताई, क्या बताई, भौतिक अवस्था। उसके बाद मैंने क्या बताया, रंग, रंग के बाद क्या बताया, गंध, सॉरी रंग के बाद क्या बताया मैंने, घनत्व, और उसके बाद विलेयता, विलेयता के बाद क्या बताए थे मैंने, गलनांक और क्वथनांक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात जो हेलो एल्केन होते हैं वो कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, हेलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। तो हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों आपको पता है हेलो एल्केन जो होते हैं वो चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, कितने प्रकार की, चार प्रकार की। पहली जो होती है नाभिक स्नेही,
प्रतिस्थापन, नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलें तो देखो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी यदि हम बात करें तो हेलो एल्केन सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन देता है वो कौन सी देता है, विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, या इसको इंग्लिश में बोलें एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड की हम बात करें, थर्ड कौन सी है, सबसे पहले नाभिक स्नेही, दूसरी विलोपन, तीसरी धातुओं के साथ, किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। फोर्थ की यदि हम बात करें तो क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों धातुओं के साथ मतलब रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रिया मतलब रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखो हेलो एल्केनों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं वो चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं SN से, किससे, SN से। दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं ई से, किससे, ई से, ई का मतलब एलिमिनेशन। और थर्ड धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। फोर्थ की बात करें हम अपचयन अभिक्रियाएं, फोर्थ क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं। तो आपने देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या मैं बोल दूं सबसे पहले आपने पढ़ा था योगात्मक अभिक्रियाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रमुक्त मूलक, योगात्मक अभिक्रिया, तीन टाइप पढ़े थे। फिर उसके बाद आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन से पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। फिर आपने क्या पढ़ी थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद आपने क्या पढ़ी थी, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, क्या पढ़ी थी, पुनर्विन्यास, और क्या पढ़ी थी, प्रतिस्थापन पुनर्विन्यास के बाद, और एक और पढ़ी थी विलोपन अभिक्रिया, क्या पढ़ी थी, विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहले योगात्मक, दूसरी विलोपन पढ़ी थी, तीसरी प्रतिस्थापन और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी थी। और आपको पता है योगात्मक अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया के क्या होती है, जस्ट विपरीत होती है। तो देखो हम पहली जो रिएक्शन है इसकी बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में भी क्या है, क्या होती है, आती है, मतलब हर साल आती रहती है, एक साल छोड़ के एक साल। कैसे, देखो तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है SN रिएक्शन, SN रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है, आपने 11th क्लास में यदि पढ़ा हो तो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, और नाभिक से स्नेही कौन, स्नेह कौन करेगा, देखो नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, क्या रहती है, कमी, और कौन से, कौन स्नेह करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, अधिकता हो, क्या हो, अधिकता हो। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आप बात करें तो देखो सबसे पहले कि आपको पता है, क्या पता है कि हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ध्रुवीय रहता है, क्या रहता है, ध्रुवीय, और इसमें हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन परमाणु पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज।
हेलोजन परमाणु पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश उपस्थित होता है किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, किससे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, अर्थात इलेक्ट्रॉन से क्या रखेगा, स्नेह, क्या रखेगा, स्नेह। अर्थात मैं बोल दूं कि यहां पर जैसे ही हेलोजन परमाणु बंद के इलेक्ट्रॉन लेता है क्या होता है, लेता है तो हेलोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आने लग जाता है और कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है और इस पर कोई नाभिक स्नेही का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है या आक्रमण हो जाता है। और जिस प्रकार के किसका, अभिकर्मक का आक्रमण होता है और अभिक्रिया, उसी के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। कैसे, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अर्थात एक प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का जब प्रतिस्थापन किया जाता है, देखो ये भी तो एक नाभिक स्नेही है, एक्स माइनस कैसा है, नाभिक स्नेही क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एन यू माइनस कोई भी, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब एक नाभिक स्नेही का किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा जब या मैं बोल दूँ जो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही का किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। जब हेलो एल्केन के नाभिक स्नेही हेलोजन परमाणु या हेलो एल्केन के हेलोजन परमाणु एक्स माइनस का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा किया जाता है, प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो ये कार्बन है यहां पर और यहां पर ये क्या है, हेलोजन कोई, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, क्या है, नाभिक स्नेही। मान लो बंद के इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है तो किसी नाभिक स्नेही का क्या हो जाता है, आक्रमण, क्या हो जाता है, आक्रमण, और क्या बनता है, सी एन यू, और ये आकर के जुड़ जाता है, क्या निकल जाता है, एक्स माइनस। अर्थात वे प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा कर दिया जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों की, एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसकी होती हैं, एल्किल हैलाइडों की या हेलो एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब ये होता है कि इन अभिक्रियाओं को हेलो एल्केन देते हैं, क्यों देते हैं, कि हेलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेता है और अपनी तरफ लेता है तो इस पर कार्बन परमाणु पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन परमाणु पॉजिटिव चार्ज पर किसका अटैक हो जाता है, किसी नाभिक स्नेही का क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। और एक नाभिक स्नेही को किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जब किसी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन या हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब किसी हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या हेलो एल्केनों में किसी हेलोजन पर हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा किया जाता है, किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले की हम बात करें एकाणुक, किसकी, एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसकी अंग्रेजी में यदि बात करें यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी की बात करें द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शंस बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इनको जो प्रदर्शित किया जाता है सब्स्टिट्यूशन से एस, न्यूक्लियोफिलिक से एन और यूनिमोलिकुलर से वन। इनको सब्स्टिट्यूशन से एस, न्यूक्लियोफिलिक एन और बाईमोलिकुलर से टू। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या SN1 नाभिक SN1 अभिक्रियाएं, या दूसरी की बात करूँ द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या क्या SN2 अभिक्रियाएं। अब पहली की हम बात करते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आसानी से मजे से समझना है और बढ़िया तरीका से करना है क्योंकि ये पेपर में आता रहता है। तो सबसे पहले की हम बात करें एकाणुक, या शॉर्ट में लिख दूं मैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन आपको पूरी लिखनी है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है, ये कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड है, क्या है तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया किसी जलीय या एक्वस KOH की उपस्थिति में की जाती है, किसकी उपस्थिति में, जलीय KOH की उपस्थिति में की जाती है। तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एल्कोहल, और X- रिप्लेस कर दिया जाता है OH- से, और ये X- किससे क्रिया करता है Cl से, Cl- है X- किससे करता है K से, और क्या निकल जाता है KCl। तो देखो सबसे पहले SN1 नाम क्यों पड़ा इसका वो मैं अभी बताऊंगा। जब किसी तृतीयक एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया किसी एक्वस KOH या एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ की जाती है, तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है, ये तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया या मैं बात करूं, देखो यहां पर अभिक्रिया के यह जो अभिक्रिया होती है दो पदों में संपन्न होती है, कितने पदों में, दो पदों में संपन्न होती है, कितने पदों में, दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न कैसे होती है कि सबसे पहले इस KOH जो होता है एक्वस KOH, क्या होता है KOH, जलीय जो KOH होता है इसका आयनन होता है K++OH- के रूप में, किसमें K++OH- के रूप में। फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें किसकी, फर्स्ट स्टेप प्रथम पद की, तो प्रथम पद में क्या होता है बच्चों देखो सबसे पहले प्रथम पद में क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड है जो कि 3 डिग्री है, क्या है 3 डिग्री है। इस एल्किल हैलाइड में आपको पता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, और हेलोजन परमाणु की विद्युत धारिता क्या है ज्यादा है, किससे कार्बन से,
हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से क्या है, ज्यादा है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक, और ये बॉन्ड क्या हो जाता है फिर एंड में, ब्रीक हो जाता है, टूट जाता है, और ये एक्स माइनस और सी माइनस का निर्माण। और मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन, या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यदि किसी कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्रकार के जो मध्यवर्ती को क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। सबसे पहले पद में क्या होता है, ये हेलोजन, कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है, इसमें हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से ज्यादा होती है, जिसके कारण ये बंधक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और अपनी तरफ आकर्षित करके इसमें Cl- या X- के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पहला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसे कहते हैं धीमा पद, क्या होता है, धीमा पद। और सबसे धीमा पद जो अभिक्रिया का होता है, वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या मैं बोल दूं वेग निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिंदी में कहते हैं वेग निर्धारण पद, क्या होता है, वेग निर्धारण पद होता है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, पहले पद में इसमें हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण बंधक इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन परमाणु क्या होता है, लेकर के बाहर निकल जाता है, और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। ये जो पहला पद है, ये धीमा पद होता है, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद कहा जाता है, और इसी के द्वारा अभिक्रिया की जो वेग, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है, निर्धारित होता है, और यहाँ पर कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यदि मैं वेग की बात करूँ, किसकी, वेग की, यहाँ मैं दर या वेग की बात करता हूँ, यहाँ करता हूँ दर या वेग की, तो दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या दर है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और अभिकारक क्या है, क्या है, 3 degree alcohol, वो 3 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया की, उसमें अभिक्रिया के स्लो स्टेप में, धीमे पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, ओनली एक अणु भाग ले रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है, एक होती है, क्या होती है, के अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक होती है, और एक के कारण ही इसको यूनिमोलिकुलर, एक का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है, मैं दूसरे स्टेप को लिखता हूँ, दूसरे स्टेप को ऊपर लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, चलो फिर मैं दोबारा से इसको और बढ़िया तरीके से लिखूँगा। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैटायन, और आपको पता है ये कार्बोकैटायन का जो संकरण होता है, यदि 11th क्लास से याद हो तो कार्बोकैटायन में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 रहता है, क्या रहता है, sp2, और जिसमें sp2 संकरण पाया जाता है उसकी जो आकृति है वो समतल त्रिकोणीय होती है, कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय रहती है, इसको भी आपको लिखना नहीं है, मैं एक साथ कराऊंगा, इसको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है, और बंद कोण का मान क्या होता है, 120 डिग्री होता है। समतल त्रिकोणीय कैसी रहती है, कार्बोकैटायन में कार्बन ये रहता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, और ये पी ऑर्बिटल क्या रहता है, बैकेंड, जिसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं बताऊं, ये कार्बन पॉजिटिव वाला, और इस पर दो एल्किल ग्रुप इधर और दो, एक एल्किल ग्रुप इधर, और एक जो पी ऑर्बिटल है कि जो लूप है ऊपर नीचे रहती है, जिसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अर्थात कार्बोकैटायन में कार्बन परमाणु का जो संकरण रहता है वो sp2 संकृत अवस्था में रहता है, उसकी समतल त्रिकोणीय आकृति रहती है, और बंध कोण का मान कितना रहता है, 120 डिग्री रहता है। तो एक चीज बताइए कि समतल त्रिकोणीय आकृति है, क्या है, समतल त्रिकोणीय आकृति, मान लो ये देखो, ये इसको नहीं देखना है आपको, इसको नहीं देखना है, जैसे ये देखो, मैं बताऊं आपके लिए, इधर देखो, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, ये कोई एल्किल ग्रुप है, इधर भी क्या है, एल्किल ग्रुप, और ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप। तो देखो, ये कार्बोकैटायन
और ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल समतल में है तीनों, मतलब ये स्टेप से ये कार्बन है बीच में, इधर ये एल्किल, इधर ये एल्किल और इधर एल्किल। पी जो लूप होती है, पी ऑर्बिटल होता है, वो ऊपर और नीचे होता है, जिसमें क्या होता है धनावेश उपस्थित रहता है। अब देखो मैं इस टाइप से इसको पकड़ लूं, तो आपको पता है ये कार्बन परमाणु ऊपर एल्किल, इधर एल्किल और इधर एल्किल, ये आपकी तरफ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बेस से प्रदर्शित कर सकता हूँ। आपको पता है जो वक्ता की तरफ होते हैं उसको भेद से प्रदर्शित करते हैं, और जो वक्ता से दूर होता है उसको डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने यो पकड़ा था ये, और ये तो आपकी तरफ है इसलिए मैंने बेस से रिप्रेजेंट किया था, और ये आपसे दूर था इसलिए डैश से रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है ये कार्बोकैटाइन एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति। अब आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से भी आ सकता है, किधर से? पीछे से भी आ सकता है, और आने वाला नाभिक स्नेही आगे से भी आ सकता है, क्योंकि आकृति कैसी है? समतल त्रिकोणीय है। अर्थात मैं बोल दूं ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन दो एल्किल ग्रुप इस टाइप से, एक तो आपकी तरफ जो कि बेस से दर्शा गया है, एक डैश से पीछे की तरफ, और एक ऊपर प्लेन में। अब आने वाला नाभिक स्नेही आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, दोनों संभावना रहती हैं, जो कि 50-50% रहती हैं। अर्थात मैं बोल दूं कि नाभिक जो स्नेही है, ये नाभिक स्नेही हो सकता है पीछे से आ जाए, और हो सकता है नाभिक स्नेही कहाँ से आ जाए? आगे से आ जाए। तो दोनों कंडीशन रहती हैं। तो आपको पता है दोनों प्रकार के उत्पाद क्या होंगे? प्राप्त होंगे। दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, और जब दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है, या उत्पाद के रूप में रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप ये कार्बोकैटाइन, ये एल्किल ग्रुप, ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, या मैं इनको R, R डैश, R डबल डैश दे देता हूँ। तो ये R, R डैश और R डबल डैश। हाँ, मैं नाभिक स्नेही को आगे से अटैक कराऊँ, जिधर से हेलोजन परमाणु निकला है, जिधर से हेलोजन परमाणु निकला है। एक दूसरी कंडीशन में नाभिक स्नेही को पीछे से अटैक कराऊँ, जिधर से हेलोजन परमाणु निकला है उसके जस्ट विपरीत साइड से, या 120-180 डिग्री के कोण पर। तो देखो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, ये सी आर और इधर नाभिक स्नेही, और यहाँ पर ये क्या है, आर डैश, यहाँ पर आर डैश, और ये क्या है, आर डबल डैश, आर डबल डैश। देखो अब किस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, क्रेल कार्बन। यदि तीनों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये चारों का ग्रुप तो क्या है, कार्बन, एल्किल ग्रुप ये ऊपर वाला, ये नाभिक स्नेही, और ये आर डबल डैश वाला पीछे को, आर डैश वाला इधर साइड में। अब इधर देखो, हो सकता है ये नाभिक स्नेही का आक्रमण किधर से हो, जिधर से हेलोजन परमाणु निकला है। तो ये कार्बन, ये आर और ये बेज आर डैश, या मैं इस टाइप से प्रदर्शित कर दूं, ये आर डबल डैश और ये आर डैश, और इधर किसका अटैक हो गया, नाभिक स्नेही का। तो देखो दोनों प्रकार के उत्पाद के बनने की संभावना रहती है, अर्थात 50% तो ये भी बन सकता है, 50% तो ये बनता है, और 50% ये बनता है। और आपने पढ़ा है जब उत्पाद 50-50% बनता है तो आपको पता है कि एक तो डी रूप बनता है, और एक क्या बनता है, एल रूप। एक क्या बनता है, डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक, और एक क्या बनता है, एल रूप, जिसे कहते हैं उत्तरावर्ती ध्रुवण घूर्णक। तो आपको पता है दोनों रूप एक दूसरे के क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, विन्यास को कैंसिल कर देते हैं, और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण कहते हैं, जिसमें 50% एल रूप होता है, 50% क्या होता है, डी रूप होता है। अर्थात एक समावयवी द्वारा दूसरे समावयवी को, किसको, ध्रुवण घूर्णकता को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रेसेमिक मिश्रण। तो दोबारा से मैं इसको एक अब शॉर्ट में बताऊंगा और बढ़िया तरीका से, अब तक तो आपके लिए समझाने के लिए। तो SN अभिक्रिया की बात करें, SN अभिक्रिया जब किसी हेलो एल्केन में SN अभिक्रिया की बात करें, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन
जब किसी नाभिक स्नेही या प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा कर दिया जाता है, प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की प्रजाति को या इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इधर ये नाभिक स्नेही, इधर आर, ये आर डैश और ये आर डबल डैश, और यहाँ पर क्या आएगा, ये एक्स माइनस, क्या आएगा, एक्स माइनस। अब ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, दो प्रकार की बताई मैंने, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो SN1 और एक SN2, SN1 और एक SN2। तो सबसे पहले मैंने बताई थी SN1, और इसी का हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, SN1 का। और SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी एक नाभिक स्नेही, जब किसी एक दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन, या मैं बोल दूं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किस प्रकार के एल्किल हैलाइड की, तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ की जाती है। ध्यान रखना है आपको, जलीय एक्वस लेना है, क्या लेना है, जलीय KOH के साथ की जाती है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, अब फिर क्या होती है, मैकेनिज्म क्रियाविधि, क्या होती है, मैकेनिज्म क्रियाविधि। मैकेनिज्म क्रियाविधि, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया मध्यवर्ती के माध्यम से निम्नलिखित दो पदों में संपन्न होती है। देखो बच्चों, आपको नोट्सों कोई टेंशन नहीं है, नोट्स हालांकि रफली बनाओ, मैंने बताया था, नोट्स मैं आपको मेरे हैंड रिटन में अवेलेबल करवा दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा मैं ग्रुप में PDF बना करके, और आप उनको रिटर्न कर लेना, बढ़िया शानदार नोट्स एकदम। मैं समझाने के लिए क्या शॉर्ट समझाता हूँ, और यहाँ पर इतनी लैंग्वेज लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, अभी मंडे को करवा दूंगा या संडे को। तो देखो यह अभिक्रिया मध्यवर्ती के माध्यम से निम्नलिखित दो पदों में संपन्न होती है। तो पहले पद में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जलीय जो KOH होता है, एक्वस KOH होता है, एक्वस KOH, इसका क्या होता है, आयनन होता है K++ OH- के रूप में, जो कि हमको क्या प्राप्त हो गया, OH- अर्थात नाभिक स्नेही। अब पहले स्टेप की मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तृतीयक ब्यूटिल जो एल्किल हैलाइड है, तृतीयक ब्यूटिल एल्किल हैलाइड, ये कोई एल्किल हैलाइड क्या करता है, इसमें हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, और हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है, ये हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या हो जाता है, भार हो जाता है, क्या हो जाता है, भार हो जाता है, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन परमाणु पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि यह अभिक्रिया आपको पता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो में बोल दूँ धीमा पद होता है, कैसा होता है, धीमा पद होता है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, या मैं बोल दूँ वेग निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद होता है, अर्थात इसी के द्वारा अभिक्रिया की जो दर है वो क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है, क्या की जाती है, दर, अभिक्रिया की दर क्या की जाती है, निर्धारित। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड कितने भाग ले रहे हैं, ओनली एक एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, अर्थात तृतीयक ब्यूटिल एल्किल हैलाइड क्या हो रहा है, भाग ले रहा है, या मैं इस टाइप से तीनों को मिला करके लिख दूँ, तृतीयक ब्यूटिल एल्किल हैलाइड क्या ले रहा है, भाग, अर्थात अभिक्रिया की जो दर है
वो एल्किल हैलाइड के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, या मैं बोल दूँ दर बराबर के, दर बराबर के आर थ्री सी एक्स। और यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि की जो बात करें, आपको पता है कि वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि भी क्या रहेगी, एक, क्या रहेगी, एक। और एक के कारण ही यहाँ पर वेग निर्धारण पद में क्या आता है, एस एन वन में वन आता है, जिसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर एकाणु। वेग निर्धारण पद में कितने अणु भाग लेते हैं, एक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक अणु। और नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी अन्य नाभिक स्नेही द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट में सेकंड स्टेप की बात करता हूं, इसकी सेकंड स्टेप की, तो देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटाइन है, ये जो कार्बोकैटाइन है, इस कार्बोकैटाइन की जो ज्यामिति है वो समतलीय होती है, अर्थात सभी जो ये क्या है परमाणु तल में होते हैं, क्या होती है, समतलीय, समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। बंद कोण के मान की बात करें तो 120 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर नाभिक स्नेही दो टाइप से आ सकता है, हो सकता है नाभिक स्नेही आगे से आ जाए और सेम जैसा रिएक्टेंट है जैसा ही प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए, हो सकता है नाभिक स्नेही बैक साइड से आए, क्योंकि इसकी तो समतल त्रिकोणीय आकृति है, कैसी है, समतल त्रिकोणीय है। तो देखो इसमें ये जो सेकंड स्टेप होता है फास्ट स्टेप होता है, कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप या तेज, क्या होता है, तेज पद होता है, तेजी से संपन्न होने वाला पद होता है। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की दो कंडीशन रहती हैं, या तो सेम प्रोडक्ट कैसा बन जाए, जैसा रिएक्टेंट था जैसा रिएक्टेंट था, या प्रोडक्ट उसके क्या हो जाए, विपरीत। दोनों प्रकार के प्रोडक्ट के बनने की संभावना 50-50% रहती है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि SN1 जो अभिक्रिया होती है, इसके उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में रैसेमिक मिश्रण, रैसेमिक मिश्रण क्या होता है, प्राप्त होता है, रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रैसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं, जब किसी उत्पाद का एक डी रूप और दूसरा क्या हो, एल रूप हो, एक दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक हो, एक वामावर्ती, उत्तरावर्ती को कहते हैं वामावर्ती, एक वामावर्ती ध्रुवण गुणक हो और दोनों की सांद्रता क्या हो, समान हो, तो ऐसे उत्पाद को हम रैसेमिक मिश्रण कहते हैं, क्या कहते हैं, रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। तो दोबारा से एक बार से बढ़िया तरीका से सुनेंगे, देखो कि सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब किसी हेलो एल्केन के, या जब हेलो एल्केन के हेलोजन परमाणु को, किसी हेलोजन परमाणु को एक नाभिक या प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। ये अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं या हेलो एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं हेलो एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो पदों में संपन्न होती हैं, दो पदों में संपन्न होती हैं, या मैं बोल दूँ ये अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, सबसे पहले तो SN1 और दूसरी SN2। अभी मैंने जो बात की है वो SN1 की, और SN2 की कल मैं बात करूँगा। तो SN1 में मैंने बताया था, SN1 में आपको पता है बन कहाँ से आया, कि इसमें बन क्या आता है, कि अभिक्रिया में जो SN1 सबसे पहले बताऊँ मैं, SN1 अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन, किसी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी अन्य नाभिक स्नेही, ये अभिक्रियाएँ तृतीयक ब्यूटाइल बात करें तो SN1 जो अभिक्रियाएँ होती हैं तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती हैं, सबसे पहले बात करें तो किसके द्वारा, तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा। और तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा की जा क्यों दी जाती हैं, कि आपको पता है यहाँ पर कार्बोकैटाइन का निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, कार्बोकैटाइन का, और कार्बोकैटाइन के स्थायित्व का क्रम आपको पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री,
थ्री डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि SN1 जो अभिक्रियाएं सबसे अधिक तेजी से कौन देते हैं, तृतीय ब्यूटिल एल्किल हैलाइड, उसके बाद द्वितीय ब्यूटिल एल्किल हैलाइड, जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो तो SN2 अभिक्रिया देते हैं। सामान्यतः जो तृतीय ब्यूटिल एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का। तो दोबारा देखो, SN1 अभिक्रिया में सबसे पहले तो क्या होता है, किसी नाभिक स्नेही का अटैक और उत्पाद का निर्माण। SN1 अभिक्रिया निम्नलिखित 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में बात करें तो प्रथम पद से पहले इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में निम्नलिखित क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो देखो यहाँ पर ये KOH का क्या हुआ, जलयोजन हुआ। जलयोजन होने के बाद क्या हुआ, K+OH- या आयनन हुआ, K+OH- के रूप में टूट गया। और यह अभिक्रिया निम्नलिखित 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, और तृतीयक एल्किल हैलाइड में से आपको पता है कार्बन और हेलोजन में हेलोजन परमाणु की विद्युतणता ज़्यादा है, जिसके कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अपनी तरफ आकर्षित करके देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पहला स्टेप होता है धीमा पद होता है, या स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या बोल दूँ वेग निर्धारण पद होता है। चूँकि यहाँ पर यह कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और इसको कहते हैं मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती, अर्थात अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले अस्थाई, अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले अस्थाई प्रजाति, अस्थाई प्रजाति क्या कहलाती है, मध्यवर्ती। ये कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। देखो कार्बोकैटायन जब मध्यवर्ती के रूप में बनता है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आपको पता है जितने कार्बोकैटायन का स्थायित्व 3 डिग्री, सबसे अधिक स्थायी कौन है, 3 डिग्री। तो तृतीयक ब्यूटिल एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन देंगे, क्योंकि तृतीयक कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है जो कि अधिक स्थायी है। कैसा है, अधिक स्थायी, जबकि द्वितीयक कार्बोकैटायन कम स्थायी होता है। अर्थात द्वितीयक ब्यूटिल एल्किल हैलाइड यह अभिक्रिया देते हैं लेकिन कम देते हैं, जबकि 1 डिग्री किसकी, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे कम होता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये नगण्य अभिक्रिया, अर्थात देते ही नहीं है SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया सामान्यतः किनके द्वारा दी जाती है, 3 डिग्री किसके द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। इसमें कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो 3 डिग्री सबसे अधिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री रहता है, इसके बाद 1 डिग्री रहता है। फिर मैंने बताया था यहाँ पर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन पर किसी नाभिक स्नेही का क्या होता है, अटैक होता है। और सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, फास्ट स्टेप, या मैं बोल दूँ तेजी से संपन्न होने वाला पद होता है, जो कि अभिक्रिया की दर इस पर डिपेंड नहीं करती है। और आपको पता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन यहाँ पर जो संपन्न होता है, इससे संपन्न होने से पहले मध्यवर्ती कार्बोकैटायन की आकृति की यदि बात करें तो समतल त्रिकोणीय होती है। इसमें बंद कोण का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और समतल त्रिकोणीय जब आकृति होती है तो आने वाला नाभिक स्नेही आगे से भी आ सकता है, आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से भी आ सकता है। और 2 प्रकार के उत्पाद बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। अर्थात उत्पाद के रूप में 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक तो दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक, एक वामावर्ती ध्रुवण गुणक। और अर्थात मैं बोल सकता हूँ उत्पाद के रूप में रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। रासायनिक मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें एक उत्पाद 50% या दक्षिणावर्ती 50% और 50% क्या हो, वामावर्ती हो, दोनों का मिश्रण एक दूसरे, दोनों का जो क्या है, ध्रुवण गुणक, एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, इसी को कहते हैं रासायनिक मिश्रण, रासायनिक मिक्सचर। तो थैंक यू बच्चों, और आपके लिए नोट्स वगैरह जैसे ही मैं PDF बना करके अवेलेबल करवा दूँगा, तो इनको तो आप समझना है बस, ठीक है बच्चों।